दिल्ली एनसीआर में सर्दियां आते ही प्रदूषण डराने लगा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा दमघोटू होती जा रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI लगातार बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। शुक्रवार को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट स्टेशन पर सुबह 5 बजे के वक्त AQI 489 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में सुबह के वक्त AQI 562 दर्ज किया गया। आपको बता दें, दिल्ली में AQI 450 के पार पहुंचने के बाद देश की राजधानी में प्रदूषण इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली में GRAP-4 लागू किया गया है। कल शाम 4 बजे के करीब दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 450 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 400 से ऊपर AQI को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। श्रेणी में हवा सेहत पर काफी बुरा असर डाल सकती है। प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं जरूरत होने पर 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाई जा सकती है। इसके साथ ही प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी है।